हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नालंदा जिले में स्थित राजगीर आए हैं, जहां पर ये देख रहे हैं कि ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड का मान्यता है कि इसको ब्रह्मा जी ने बनाया था अपने हाथों से। और कारण क्या है कि यहां पर एक यज्ञ हुआ था। मानस पुत्र ब्रह्मा जी के थे राजा बसु, उन्होंने एक यज्ञ कराया। उस देवी देवताओं को कुंड में नहाने में प्रॉब्लम हुआ, इसलिए 22 कुंड अलग अलग बनाया गया था। इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर पानी रहता है। उधर देखिए, दूर में जो दिख रहा है वो ठंडा पानी का कुंड है, लेकिन इसके बीच में 22 कुंड है जो गर्म पानी का है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऊपर में सप्तकर्णी गुफा है, वहाँ से व्यवहार गिरी पर्वत पर भेलवा डोब तालाब है, उसी तालाब से पानी आता है। यहाँ पर ये पहाड़ पर चढ़ने के बाद थोड़ा दूर तो ये अलग से बनाया गया है, वहाँ से देखने का झांकी है शहर कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जूम करके हम दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर टॉप पर तो नहीं गए थे, लेकिन नीचे से भी एक स्टेज टाइप का बना हुआ है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ऐसा मान्यता है कि मलमास मेले में, यानी जो एक महीना एक्स्ट्रा होता है उस अतिरिक्त महीना में, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यहाँ नहाने से बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये देवी देवता के बारे में या आध्यात्मिक लोग जो इससे जुड़े होते हैं, उनको यहाँ आने में बहुत ही एक गौरव की अनुभूति होती है। पानी गर्म होने का बात इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पहाड़ों से पानी होते हुए जब आता है तो सोडियम, सल्फर, गंधक वगैरह जो है रास्ते में मिलता है, और उससे होकर पानी जब आता है तो रिएक्शन होकर के गर्म हो जाता है। ये देखिए, एक विशेष मंदिर है ब्रह्मकुंड का। यहाँ पर देख रहे हैं ये मंदिर ना, इसके बीच में वो कुंड है और उसके कई मुहाने हैं। हम वहाँ पर भी जाके देखेंगे, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए हमने थोड़ा सा लिया है। ये ऊपर से देखे थोड़ा सा, ये पहाड़ का जो टीला दिख रहा है ना, इस पर से हम लोग चढ़े थे। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल है, ये पहाड़ नहीं है, ये साइड में बनाया गया है थोड़ा सा। इसको उतरते समय नीचे में दिख रहा था, तो यहाँ पर देख करके हम लोग सेल्फी लेने के लिए भी अपने को ना रोक सके। राजगीर में घूमने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ ब्रह्मकुंड के पास हम गए थे और वहाँ का ये सुंदर झांकी है। वहाँ से जब नीचे उतरते हैं, ये चढ़ने उतरने का सीढ़ी है, तो हमको आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो 4 बजे के बाद ऊपर जाना मना होता है, यहाँ पर फोर्स भी रहता है, तो इसलिए ऊपर नहीं जा सके, तो यहीं से लौट गए। आप लोग आए यहाँ पर कभी तो सुबह से ही यहाँ पर मेला लगना शुरू हो जाता है, स्नान ध्यान करना शुरू हो जाता है। 4 बजे का मुहूर्त है, यहाँ पर लिखा हुआ भी घाट में है कि 4 बजे ये स्नान घाट खुल जाता है ब्रह्मकुंड जो है, इसलिए 4 बजे से भीड़ लगना यहाँ चालू हो जाता है। तो अगर सुबह सुबह सवेरे आएंगे तो क्या होगा कि आप दिन भर में सारा गतिविधि देख लेंगे, हर जगह घूम भी लेंगे और पूरा दिन का कार्यक्रम लेकर के चलेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो सीढ़ी से नीचे उतरते समय आप यहाँ पर कुछ बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, ये देखिए पत्थर को जमा कर कर के वो टीला बनाया गया है जिस पर अभी हम लोग चढ़े थे, जहाँ से ये पीपल गुहा है, इन गुफा के जैसा बनाया हुआ है, लेकिन ये पूरा आर्टिफिशियल है। साइड में यहाँ देखिए, अंदर में गए थे जहाँ पर नहाया है, जरा सा हटो रे बाबू, का एक मुख दिया हुआ है, उसका मुँह लेने दो। ये साइड में अलग अलग कई गुफा है जिसमें पानी निकल रहा है। भीतर में जो है वहाँ मेन गुफा है ब्रह्मकुंड, उसमें तालाब जैसा है, पानी जमा रहता है, लोग डूब करके भी नहाते हैं। तो नहाने का ये अलग अलग झांकी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और ये अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ के दृश्य को दिखाता है। ये मेन गेट है जहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है, और जब लौटने के समय का ये दृश्य देखिए, सभी कुंड का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, 22 कुंड जो है, कौन कौन सा कुंड है, हर एक कुंड का यहाँ पर नाम वर्णन है, सरस्वती कुंड, अहिल्या कुंड, तो अलग अलग कुंड का जो नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कुंड बताता है कि इसी आसपास के क्षेत्र में उपस्थित है। ये सारे कुंड में लोग स्नान करते हैं, लेकिन सबका जो मेन कुंड है वो ब्रह्मकुंड है, और इसी जगह है बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि
कि आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ आएंगे और इस क्षण का लाभ उठाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।